नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिसराई क्षेत्र की जनता को मिली सौगात, मंत्री तथा सांसद ने संयुक्त रूप से 1 करोड़ के लागत से बने योजनाओं का किया शुभारंभ। राज्य में बढ़ती प्याज की कीमतों से निजात दिलाने हेतु मंत्री सरयू राय ने शहर में शुरू करवाया सुविधा केंद्र। 45 रुपए किलो उपलब्ध होगा प्याज। अरब सागर में उठे हिक्का तूफान का असर पूर्वी भारत पर। जमशेदपुर में लगातार हो रही है बारिश, जनजीवन है अस्त व्यस्त। अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर जन प्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बची कुची योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने में जुट गए हैं। इधर झारखंड सरकार के मंत्री सह जुगसराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सहीस और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने भी शनिवार को जुगसराई नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ की योजनाओं का शुभारम्भ किया। वहीं मंत्री रामचंद्र सहीस ने बताया कि झारखंड सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास पर पूरा जोर दे रही है, जिससे पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास जारी है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की, साथ ही भरोसा जताया कि जल्द ही जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में बचे हुए काम धरातल पर उतर जाएंगे। वहीं जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के कार्यपालिक पदाधिकारी ने 1.5 महीने के भीतर सभी योजनाओं को धरातल पर उतारे जाने का दावा किया। फिलहाल जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को सड़क नाली सहित जरूरी सुविधाओं की सौगात मिलने से बड़ी राहत मिली है। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 14 योजना जो है उसका लागत राशि 1 करोड़ से ज़्यादा का योजना स्वीकृति हुआ है, जिसका आज विधिवत रूप से इस क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय सांसद बड़े भाई विद्युत वरण महतो जी के साथ साथ आजसू बीजेपी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसका विधिवत रूप से शिलान्यास हुआ है और इसका बहुत जल्द धरातल पर काम दिखेगा। आजसू बीजेपी के तमाम नेतृत्वकर्ता उस मोहल्ला टोला पर जाएंगे जहां योजना का स्वीकृति है, वो दोनों मिल करके काम को चालू कराएंगे और लोगों को भी बताएंगे कि आपके सुविधा के लिए ये स्कीम हो रहा है, ये संरक्षण करना आपका जिम्मेवारी है। और जुगसलाई भार ब्रिज भी थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम है, कुछ लोग घर आ जाने से उसको शिफ्ट करना है। फिर ये सारे पुल पुलियाँ बन जाने के बाद जुगसलाई एक नए रूप में नज़र आएगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों मिल के लगातार। स्टेट में अपने कैबिनेट मंत्री हैं तो लगातार प्रयास हो रहा है कि इस क्षेत्र को, चाहे सुदूर देहात हो या जुगसलाई शहरी हो, पूरा विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी को हर क्षेत्र से कनेक्टिविटी बेहतर हो, रोड रास्ता बेहतर हो, के साथ बिजली व्यवस्था हो। अभी 2 जो है सब स्टेशन एक्स्ट्रा वहाँ बन रहा है, फिर हम लोग बिजली के लिए भी दोनों बात करते रहते हैं। तो इस तरह शहरी में जो विभिन्न योजना है इसको धरातल में उतार के लोगों का तकलीफ को दूर करना ही भला मुख्य हम लोगों का मकसद है। झारखंड सरकार की ओर से प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का प्रयास लगातार जारी है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने नाफेड से प्याज मांगने की दिशा में पहल शुरू की है। इधर शनिवार को जमशेदपुर में 10 स्थानों पर सुविधा केंद्र की शुरुआत मंत्री सरयू राय ने की। वहीं उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि खुदरा व्यापारी बाजार में प्याज की आवक बढ़ने तथा कम से कम मुनाफा कमाए ताकि आम लोगों को प्याज औसत कीमतों पर मिल सके। वैसे सुविधा केंद्रों में प्याज की कीमत 45 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं मंत्री ने राज्य के सभी राशन दुकानों से प्याज बेचे जाने का फरमान जारी किया है।
वहीं मंत्री ने प्याज की बढ़ती कीमतों को क्षणिक बताया है और जल्द ही इस पर नियंत्रण पाने की उम्मीद जताई है। हमने तय किया है कि पूरे राज्य में जो हमारी राशन की दुकानें हैं उनके माध्यम से कम एक प्रखंड में एक प्याज की दुकान सुविधा केंद्र के नाते खुलवाएंगे। हम लोग जमशेदपुर में भी आज 10 सुविधा केंद्र खोल रहे हैं, कदमा में, सोनारी में, मानगो में, दूसलाई में, परसूड़ी में, बिरसा नगर में। तो ये प्रयास है कि बाज़ार की कीमतें नियंत्रित रहें, खुदरा में जो व्यापार कर रहे हैं वो ज़्यादा दाम नहीं लें, ग्राहकों को सुविधा हो, इससे तो ये प्रयास किया गया है। और कीमत बढ़ने का कारण यही है कि जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण के राज्यों में, खास करके राजस्थान में बहुत बारिश हो गई है, प्याज जिस खेत में बोया गया उसमें पानी लगा हुआ है, जब तक पानी हटेगा नहीं, मिट्टी सूखेगी नहीं, तब तक प्याज निकलेगा नहीं। तो संकट तात्कालिक है, जैसे ही पानी घटेगा तो प्याज वो निकालेंगे अपना, प्याज पानी के भीतर नहीं सड़ेगा, ऊपर आने पर सड़ता है, तो उसको निकालेंगे, बाजार में लाएंगे, फिर प्याज की कीमत नीचे होगी। अरब सागर में उठे हिक्का तूफान का असर जमशेदपुर शहर में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लगातार तीसरे दिन भी शहर में भारी बारिश देखी गई, जिससे रोजमर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब हो कि इस तूफान का असर संपूर्ण बिहार और झारखंड राज्य में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बारिश हो रही है। जमशेदपुर शहर में भी शनिवार को सुबह से लगातार बारिश देखने को मिली। वहीं भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जमशेदपुर के खरकई नदी से शुक्रवार को एक महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ छलांग लगाई थी, जिसमें एक बच्चा और एक महिला की जान बच गई थी। वहीं 3 वर्षीय बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में महिला के परिवार वालों ने महिला के पति संतोष कुमार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसके बाद आदित्यपुर थाना पुलिस ने महिला के पति को कस्टडी में ले लिया है। इधर महिला के पति का कहना है कि आखिर उसका अपराध क्या है, वह अपने मासूम बच्चे के शव को देखने के लिए तड़पता रहा, लेकिन कानून का हवाला देते हुए आदित्यपुर थाना पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इधर आदित्यपुर थाना ने महिला पर कार्रवाई करते हुए धारा 309 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है और टाटा मुख्य अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इधर महिला पर मामला दर्ज होते ही महिला के परिवार वालों के सुर बदल गए और अपने दामाद से समझौता करने की गुहार लगाने लगे। वैसे महिला के पति ने महिला को मानसिक रूप से विषिप्त बताते हुए पुलिस से अपनी पत्नी को बख्श दिए जाने की अपील की। हालांकि आदित्यपुर थाना पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरते जाने का संकेत दिया है। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि यह एक जघन्य अपराध है और इसमें हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। क्या बोल रहे हो, कंप्रोमाइज कर रहे हैं? कल वही आदमी मेरे पे केस कर रहा था, किस बेसिस पे? क्या मारे हैं, पीटे हैं या उसको बोले हैं? सुबह मेरे को अच्छा से खाना दिया है, खाना खाया है, उसके बात की, हम ड्यूटी गए हैं, तो ड्यूटी में है, हम क्या देखने आ रहे हैं कि कैर में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, भाई कहाँ जा रही है? मेरे बड़ा बेटा बोला, मेरे को मुझसे बात की है, बोला पापा मम्मी मेरे को बोल के गया, लेके आया स्कूल से, बोला चलो घूमने जाएंगे, तो दोनों बच्चों को तैयार किया, घूमने गया, बोला घुमाने ले जा रहे हैं, ले आगे नदी में। वो तो मेंटली कुछ प्रॉब्लम था, जब शादी होकर 15-20 दिन हुई थी, उसमें प्रॉब्लम था उनको, तो इंडिया में आई थी,
जिस खुलिया में आई थी उस समय हम लोग पूरा खोजे, तो मेरे सिस्टर थे उस समय थी सब, शादी नहीं मेरे सिस्टर लोग का, वो लोग सब मेरे को फोन किए, बोले भैया ऐसा बात सब पे, हम लोग ये लड़का देख लीजिए लड़का है, लोग जितने दिख रहे सब खोजने गया था उसमें, लास्ट में पता चले खुलिया पे है, खुलिया पे है। तो खुलिया से फिर उसको लेके हम लोग कोई वहाँ रेलवे का वर्कर्स था जो काम कर रहा था, मोबाइल से वो लोग फोन किया, ये मोबाइल फेंक दी थी उसको उठा के ऑन करके वो लोग फोन किया, भैया ऐसा सा बात है यहाँ पे, फिर आके उनको ऐसे रिसीव करके लेके गए थे। तत्काल तो पुलिस के बयान पर ऐसे प्राथमिकी की अंकित की गई है और उसका जो बच्चे का डेड बॉडी मिला है उसका अधिकारी गए हुए हैं, एमजीएम अस्पताल में रखा गया था, पोस्टमार्टम के बाद ऐसे उसके परिजनों को उसको शव को दे दिया जाएगा, बाद में बाकी तक जो आएंगे उस पर अनुसंधान किया जाएगा और जो नए संगत कार्रवाई। अभी तत्काल तो चूंकि जो घटना घटी है जो लोगों द्वारा बताया गया उसके अनुसार उस मामला उसके लिए भी बनता है, लेकिन फिर भी महिला चूंकि सीरियस है और उसे इलाज के लिए लोगों द्वारा जिला का इलाज कराया जा रहा है, तो तत्काल है सो संबंध में आने लोगों का बयान लेता और जो भी बातें लोगों पर अनुसंधान करने का कार्रवाई की। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री आवास से महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर जेम को आदि बस्तियों के लोग नरकीय जीवन जीने को विवश है। वैसे क्षेत्र के लोगों ने इस त्योहारी मौसम में सरकार से उम्मीद छोड़ क्षेत्र में साफ सफाई और जर्जर हो चुके सड़कों को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, जहां शनिवार को दर्जनों लोगों ने हाथों में झाड़ू लेकर क्षेत्र की सफाई की और सड़क में हो चुके गड्ढों को भरने का काम किया ताकि दुर्गा पूजा में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आपको बता दें कि क्षेत्र में के सीमेंट प्लांट के साथ कई बड़ी कंपनियां मौजूद है जहां दिन भर सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है, जिससे आए दिन सड़कों पर चलने वाले लोग दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके बावजूद इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित भी कराया गया, लेकिन इस पर कोई पहल ना तो जिला प्रशासन ने की और ना ही सरकार की तरफ से हुई, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वैसे स्थानीय लोगों ने खुद श्रमदान कर तात्कालिक व्यवस्था करने की ठानी और आज क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ सड़क के गड्ढों को भी भरने का काम किया। ये ट्यूब कंपनी से ट्यूब सीमेंट प्लांट जाने वाला रोड है, इस रोड में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया है और दुर्गा पूजा के मद्देनज़र लोग घर से बाहर निकलते हैं, जैसा कि देख सकते हैं इस रोड में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है और भारी वाहन, दोपहिया वाहन और मध्यम वाहन इस रोड से होकर के प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में गुजरते हैं, तो ये जो रोड का जो स्थिति है ये कभी भी भयावह रूप ले सकता है, यहाँ दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी हुई है। खास करके दुर्गा पूजा में जो लोग घर से बाहर निकलते हैं टेलको और खड़ंगाझार इत्यादि जगहों पर जो घूमने जाते हैं इस रोड को लेकर ही फॉलो करते हैं। दुर्गा पूजा का समय है और जीबीसी से लेकर जेमको तक एक घुटना रोड गड्ढा हो गया है, जिन्होंने युवा क्रांतिकारी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं हम लोग साथ मिल के ये सुनिश्चित किए कि अभी तक जिला प्रशासन दूसरों के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम लोग ने आपस में निर्णय लेके ये गड्ढे का काम भरने का काम किए और ये जो क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर जी दास जी के क्षेत्र में आते हैं उनके घर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी के तहत ये रोड का इस तरह का हालात है, तो हम लोग बोल के थक गए, नहीं कोई कुछ कार्रवाई किया तो हम लोग आपस में युवा क्रांतिकारी पार्टी का भी इस काम को हम लोग वसूली कर रहे हैं। शनिवार को महालया के दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन रहा, जहां लोग अपने पितरों की याद में उनका आह्वान कर तर्पण करते हैं। वैसे गया में पिंडदान का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन लोग जहां रहते हैं वहीं नदी घाट के तट पर अपने पितरों का आह्वान कर उन्हें तर्पण करते हुए उन्हें याद करते हैं। वहीं रविवार से देवी पक्ष शुरू होते ही माता की आराधना में लोग लीन हो जाएंगे। इधर जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी तट पर महालया के दिन लोग अपने पितरों को याद कर उन्हें तर्पण करते नजर आए। वहीं पुरोहितों ने बताया कि आज के दिन लोग अपने पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वैसे हिंदू रीति के अनुसार इस पक्ष यानी पितृ पक्ष का अलग महत्व होता है, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए कामना भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर यानी पूर्वजों की आत्मा धरती पर अपने वंशजों से मुक्ति प्राप्त करने आते हैं।
माँ बाप उसका भी पूर्व पुरुष लोगों जो गुजर जाता है, आज का दिन में कहावत है, उन लोगों ने आते हैं सड़क से धरती पर और हम लोगों नहा धो करके उसका पानी कुछ तर्पण करते हैं, पानी पिलाता है, बच्चों भी करता है नदी घाट में नहाने के बाद, वही आज का दिन में शुरू होता है, इसीलिए नदी घाट में हम लोग नहाए थे और भी आदमी आया है। जमशेदपुर में नवरात्र यानी दुर्गा पूजा की धूम शुरू हो गई। शहर के अलग अलग जगहों पर विशाल पंडालों का निर्माण करवाया जा रहा है, जो अपने स्तर पर कुछ न कुछ संदेश श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। बागबेड़ा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आधारित है। 35 मीटर ऊंचे इस पंडाल में विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से कमेटी श्रद्धालुओं तक ये संदेश पहुंचाएगी। पंडाल का निर्माण आखिरी चरण में है। इस बार पूजा कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष पहल की गई है, जहां झारखंड में पहली बार वातानुकूलित पंडाल का निर्माण हो रहा है। चूंकि प्रत्येक वर्ष यहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है और इस कारण से पंडाल के भीतर उमस की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण पूरे पंडाल को वातानुकूलित किया गया है। लगभग 18 लाख के लागत से इस पंडाल को बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है। पंचमी के दिन से ही पंडाल का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार हम लोग पंडाल का हमारा थीम रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ होती है, जैसे भ्रूण हत्या या महिलाओं पर अत्याचार, उस पर हम लोग एक संदेश देंगे जा। और हम लोग का इस बार जितना भी भीड़ होता है और जिसके चलते महिलाओं चाहे पुरुषों चाहे जिस बच्चों को जो भी उमस होता है, तो हम लोग पूरे पंडाल को वातानुकूलित रखे हैं। ये झारखंड में हम लोग पहला ऐसा पहल कर रहे हैं जो पंडाल पूरा वातानुकूलित रहेगा, और हमारा पूरे पंडाल का लागत करीब करीब 18 से 20 लाख रुपया है, और जिसमें हम लोग महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला वॉलेंटियर का भी मैंने रखे हैं। 30-35 महिला वॉलेंटियर है जो प्रशासन को के सहयोग से महिलाओं के सुरक्षा में लगे रहेगी। सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग 15-17 CCTV कैमरा लगा रहे हैं और 2 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। हमारा 3 तारीख को होगा संध्या 7 बजे से, पंचमी का दिन। झारखंड में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की हड़ताल लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन इसको लेकर राजनीति चरम सीमा पर है। आंगनबाड़ी सेविकाओं पर रांची में हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। वहीं ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर सेविकाओं के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ अत्याचार किया गया, वह अपनी मांगों को लेकर राज्य मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आई थी और उन पर इस तरह से क्रूरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। क्या वहाँ महिला जो है वो कांस्टेबल उपस्थित नहीं थी? जो पुलिस प्रशासन पदाधिकारी ने उन पर लाठीचार्ज किया और इतनी बेरहमी से उनको मारा, कितनों का हाथ टूटा, कितनों कितनी चोटें आई हैं, तो मैं वैसे पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों की तत्काल सस्पेंड करने की मैं मांग करने आई हूँ कि हम सभी महिला, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया भी महिला हैं, ऐसी समस्याओं को समझ सकती हैं, कि तत्काल उन पर कानूनी कार्यवाही हो और उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुना जाए और उन सेविकाओं का समाधान किया जाए। जमशेदपुर में खाना बनाने के क्रम में एक युवती आग में झुलस गई, जिसे आनन फानन में MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना MGM थाना क्षेत्र के बड़ा बांकी की है, जहां बताया जा रहा है कि युवती अपने परिवार के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी अचानक आग के लपटे उसके कपड़े में लग गई और वो बुरी तरह झुलस गई, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी और मौत की जंग वो लड़ रही है। बताया जा रहा है कि युवती 10वीं क्लास की छात्रा है और पढ़ाई के साथ घर परिवार के काम काजों में उसका मन ज्यादा लगता था। सब्जी बना रहा था चूल्हा लकड़ी में,
मिट्टी तेल डाल दिया, उसमें से ज़्यादा ये हो गया तो उसी में से जल गया। हम लोग तो काम पर गए थे, बस्ती वाला लोग आके आग बुझाया, उसके बाद हम लोग को बुलाया, यहाँ काम पर गया था, आके देखा कि पूरा जला हुआ है, तो उसके बाद एमजेम लेके आ गया, कन्वेक्शन आवे तो ज़्यादा पूरा शरीर जल गया है। हम लोग घर में कोई नहीं था, खाली दो छोटा लड़की था मेरा, अरे माझी लड़की था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।